अभी तक हम ये पूरा इतना कंप्लीट कर चुके हैं मॉडलिंग का पार्ट्स, इसमें कुछ भी हमने अभी तक इंपोर्ट नहीं किया, सारा कुछ अपने हाथों से और मतलब अपना बनाया है, सिस्टम से बनाया, 3D Max से बनाया है ये। अभी तक इसमें कुछ भी इंपोर्ट नहीं किया हुआ। मैं जानबूझ के अभी शुरुआत में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितना हो सके मॉडलिंग का सिखा सकूँ, आपको मतलब कुछ भी इंपोर्ट ना करना पड़े, ठीक है। उससे फायदा, अगर जैसे बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि सिस्टम ज़्यादा इतना कॉन्फ़िगरेशन अच्छा नहीं होता तो हैंग करने लग जाता है इंपोर्ट करते के साथ ही, तो वो चीज़ ना हो। तो क्या है, मैं कम ही इंपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट 0 ही कर रहा हूँ अभी तक। एक लास्ट वो हमने बनाया था उसमें भी मैंने कुछ भी इंपोर्ट नहीं किया, इसमें भी कुछ भी इंपोर्ट नहीं किया है, ठीक है। तो अभी हम इतना मॉडलिंग का पार्ट कर चुके हैं, अभी बची हुई मॉडलिंग करेंगे इसमें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर कुछ क्वेरी होती है आप लोगों को तो कमेंट में दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपके लिए दूंगा। अगर ज़्यादा बच्चों की सेम क्वेरी रहेगी तो हो सकेगा तो मैं उसके ऊपर कुछ वीडियोस भी बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि कैसे क्या करना है। अभी ये मैक्सिमम देखिए हमारा हो चुका है, बचा क्या है अभी इसके अंदर, जो मेन बचा है कि नेम जो लिखा हुआ है कंपनी का नेम, ये और इधर वाला नेम, ये दो चीज़ें बची है, बाकी कंप्लीट मॉडलिंग हमारी हो चुकी है। तो चलिए नाम लिखते हैं ये कंपनी का कैसे है, मैं इसे अभी बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं फ्रंट व्यू में जा रहा हूँ। फ्रंट व्यू में जाने के बाद देखिए दो तरीके हैं इसके बनाने के, ठीक है, मैं बता देता हूँ कैसे इसको जो है बनाने के, जो हैं दो तरीके हैं, ठीक है। एक एक तो हम ये कर सकते हैं बनाने के लिए इसको कि बॉक्स ले सकते हैं या फिर हम लाइन ले सकते हैं, दो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या लेंगे, अभी लाइन ही ले लेते हैं। तो लाइन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लाइन लेने के लिए सिंपली हम यहाँ स्प्लाइन पे जाएंगे एंड देन टेक लाइन। लाइन लेने के बाद क्या करेंगे, F3 प्रेस कर दीजिए और एक सिंपल सी एक ये देखिए लाइन स्टार्ट हो गया है, एक क्लिक किया मैंने, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये स्ट्रेट आएगा, इधर उधर नहीं भागेगा, ये स्ट्रेट आएगा, ये वर्टिकल जाएगा या हॉरिजॉन्टल जाएगा। तो हमने दूसरा क्लिक करा, जितना हमें साइज चाहिए उस पर यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, ठीक है, ये शिफ्ट छोड़ दीजिए और अभी एक क्लिक यहाँ किया और एक क्लिक यहाँ किया, देन ओके कर दीजिए, ठीक है। अब आप देखिए F3 प्रेस करिए, ठीक है, ये सही लोकेशन पे है कि नहीं है, ठीक है, ये पीछे है थोड़ी सी, कर देंगे इसे सही लोकेशन पे। पहले इसको दे देते हैं थोड़ी हाइट वाइट जो देनी है। अब ये सिलेक्टेड है, यहाँ पे मैं गया इसमें मॉडिफिकेशन टूल बार में, देन रेंडरिंग में, देन दोनों अनेबल कर दिया, ठीक है। अनेबल करने के जगह हम क्या करेंगे, पहले इसे क्या कर देंगे, एक्सट्रूड करेंगे यहाँ से, EXTRUD एक्सट्रूड, ठीक है। जितनी इसको थिकनेस देनी है यहाँ से, ठीक है, थिकनेस दे देंगे अमाउंट, मान लो 1 इंच देनी है, ठीक है, 1 इंच आई थिंक इनफ है, तो 1 इंच ही देते हैं। मैं इस पर क्लिक किया, टॉप व्यू पे गया, देन क्या किया, F3 प्रेस करके इसे सही लोकेशन पे सेट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, अब F प्रेस किया, फ्रंट व्यू में गया, कंट्रोल S आप ज़रूर प्रेस कीजिए, और F3 कर रहा हूँ वायर फ्रेम से बाहर आने के लिए, ठीक है। और फ्रंट व्यू में है हम, आप देखेंगे कि ये एक हमारा, ठीक है, जिसके ऊपर हमने नाम लिखना है वो तैयार हो गया है, ठीक है। एक इसके ऊपर हमें नेम लिखना है, Z प्रेस कर दीजिए अगर इधर उधर हो जाए, और P प्रेस कर दीजिए, परस्पेक्टिव व्यू में रहेगा, ठीक है। और एक हमें इधर की तरफ भी लिखना है नेम, ठीक है, नेम देख लेते हैं किस टाइप से लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, एक तो ये नेम लिखना है और एक ये नेम लिखना है, दो जगह और तीन जगह हमें कंपनी का नेम लिखना है, ठीक है। तो उधर की तरफ भी मैं क्या कर देता हूँ, ठीक है, फ्रंट F प्रेस किया मैंने, ठीक है, और सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हमें लिखना है, ठीक है। लिखने के लिए हमें एक चीज़ और देख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये राइट व्यू में, यहाँ से आप डायरेक्ट चले जाइए, ठीक है, टॉप बैक राइट, राइट व्यू में जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं और हमें क्या करना है, यहाँ पे नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए मैं दोबारा एक बार लाइन ले लेता हूँ यहीं से, ठीक है, इस स्प्लाइन के अंदर जाके लाइन ले लेता हूँ, या बोर्ड ले बॉक्स ले सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैंने एक लाइन क्लिक किया, दूसरा क्लिक किया, ज़्यादा बड़ा हो गया, देखिए अब ये पॉइंट मुझे हटाना है, तो क्या करूँगा, बैक स्पेस ले लूँगा, ठीक है, हल्का सा यहाँ तक रखते हैं। नेम F3 प्रेस कर देता हूँ ताकि पीछे वाला बोर्ड भी दिखाई दे जाए, ये इतना बड़ा है तो ये यहाँ तक कर दिया मैंने, देखिए बराबर पीछे वाले के बराबर हो गया ये,
ठीक है, F3 हटा दिया मैंने और इसे शिफ्ट के साथ किया, एक क्लिक ये कर दिया है, एक क्लिक यहाँ कर दिया और लास्ट में इसे मिला दिया है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अब दोबारा मॉडिफिकेशन में जाके एक्सट्रूड दे देंगे, ई एक्स प्रेस करेंगे तो एक्सट्रूड आ जाएगा। ये सेम अमाउंट में दे दिया हमने, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। अब इसे सही लोकेशन पे खाली रखना है, टॉप व्यू में गया मैं, ठीक है, इस पर क्लिक किया और इसे F3 प्रेस करेंगे, ठीक है, और सही लोकेशन पे रखेंगे। सही लोकेशन इस साइड है, ये हमने बिल्कुल सही लोकेशन पे रख दिया है। ठीक है, आप देखेंगे इधर से कि ये सही लोकेशन पे आ चुका है। ठीक है, F3 प्रेस करिए और देखिए, एक बार मैं एक चीज़ देखना चाह रहा हूँ, एक सेकंड। यहाँ से हमने क्लिक किया, ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा इधर की तरफ है ये, ठीक है, ये जो ये अपने पिलर लगाए हैं, तो थोड़ा सा मैं इसे मूव करने वाला हूँ अब। ठीक है, मूव करने के लिए सिंपली क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, पहले फ्रंट व्यू में जा रहा हूँ, F, ठीक है, क्लिक किया, F प्रेस कर दिया, फ्रंट व्यू में गया और F3 प्रेस कर दिया है। ठीक है, अब खाली पिलर पिलर यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद इसे सही लोकेशन पे रख देंगे। अगर मुझे ये लोकेशन सही रहे तो मैं ये वाली लोकेशन पे रख दे रहा हूँ, ठीक है, और हमारा जो टीवी है उसे भी सही लोकेशन पे रख देंगे। ठीक है, और इसको अगर बढ़ाना है तो राइट क्लिक करेंगे, इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर देंगे और यहाँ पे एजिज में जाएंगे, देन वर्टेक्स में गए हैं और वर्टेक्स में जाने के बाद इसे इंक्रीज करके सही कर देंगे। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, F3 प्रेस करके चेक कर लेंगे कि हमारा ये सही हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, आप देखेंगे ये क्या हो रहा था पहले, जो ये हमने इस पे टच, यहाँ पे हमारा लगना था, ये टच होना था, ये हो नहीं रहा था, तो अब ये देखिए यहाँ पे सही सेट हो चुका है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हल्का सा पीछे की तरफ कर देंगे और आप देखेंगे ये, कंट्रोल एस प्रेस कीजिए इसे और इसे सेलेक्ट करके सेम कलर दे दे रहा हूँ मैं, एम प्रेस किया है, देन इसे यहाँ से सेम कलर दे दिया है। ठीक है, और इसे ब्लैक कलर में एजिस के लिए कर दिया है, तो कंट्रोल एस प्रेस किया, आप देखेंगे ये हमारा एक प्यारा सा बन के पूरा तैयार हो गया। अब खाली मैंने इस पे क्या करता हूँ, नेम दे देता हूँ, और एक चीज़ और करनी है अभी, आप देखेंगे तो कि मुझे जो ये लाइट दिख रही होगी आपको, ये लाइट, ठीक है, ये लाइट भी लगानी है। ठीक है, लाइट का भी मैं आपको तरीका बताऊंगा, ये बनाएंगे अभी हम इसे। ठीक है, सबसे पहले मैं खाली क्या कर ले रहा हूँ आपको, ठीक है, कि सबसे पहले यहाँ से नाम लिखेंगे, टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट के अंदर गया मैं यहाँ पे, और नाम जो भी लिखना है आपको यहाँ पे आइए नीचे, ठीक है, जो भी नाम लिखना है यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, जैसे मैं लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, आप भी देख लीजिए क्या लिखना चाह रहा हूँ मैं, 3ds मैक्स वर्ड। ठीक है, लिखने के बाद कहीं पे भी आप इसे, ठीक है, कहीं पे भी आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, क्लिक करने के बाद देखेंगे इसका साइज बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो साइज हम यहाँ से कम करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, मैं यहाँ मॉडिफिकेशन टूल बार में गया हूँ और इसे एक्सट्रूड करेंगे, एक्सट्रूड करने के बाद इसकी थिकनेस आ जाएगी देखेंगे तो। ठीक है, थिकनेस जितनी देनी है उतनी दे सकते हैं, ये अमाउंट यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रूड में कंट्रोल एस जरूर प्रेस कीजिए। अब मेरे को क्या करना है, मुझे इसे 90 डिग्री फ्रंट में घुमाना है, मैं यहाँ से इसे क्लिक किया, देखिए 90 यहाँ पे होना चाहिए, वरना ये आपका 90 डिग्री में नहीं घूमेगा, एंगल में 90 डिग्री लिख लीजिएगा। ठीक है, मैंने ई प्रेस किया है और ई के बाद इसे 90 डिग्री में घुमा दिया है, कंट्रोल एस, अब इसे सही लोकेशन पे रखना है। टॉप व्यू में गया हूँ मैं, अब कहाँ पे है वो, यहाँ पे है, डब्लू प्रेस किया और इसे सही लोकेशन पे रखना है। ठीक है, F3 प्रेस किया, अब आप देखेंगे कि ये साइज इसका बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो बड़ा हो रहा है, F प्रेस किया मैंने, ठीक है, और इसका साइज़ जो है देखेंगे कि बड़ा है, ये हमें इतना सा चाहिए खाली। पहले मैं इसे सही जगह पे कर लेता हूँ, उसके लिए क्या करूँगा, मैं टेक्स्ट में दोबारा गया यहाँ पे और नीचे आएंगे यहाँ पे साइज़ के अंदर, तो साइज़ यहाँ से छोटा कर सकते हो आप। ठीक है, जितना आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से इसका साइज़ छोटा कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखिए साइज़ का जो है, यहाँ से हमने, ठीक है, छोटा बड़ा आप कर सकते हो, ये देखिए यहाँ से साइज इतना कर लिया हमने। ठीक है, अब क्या हो रहा है इसके अंदर, मैं आर प्रेस किया है यहाँ से, ठीक है,
और स्केल कर लूँगा, थोड़ा सा नीचे करना है, हल्का सा ये नीचे करना है, ठीक है, और इसे सेट कर दिया है, ठीक है। एक चीज़ हो रहा है, अगर आप चाहें, ठीक है, तो ये अपना यहाँ से साइज वाइज आप बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर देखिए ये जो डिज़ाइन है, इसको यहाँ से हम मतलब जो फॉन्ट का डिज़ाइन है, ठीक है, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं यहाँ से भी, ठीक है। एरियल है ये, कुछ भी हम डिज़ाइन दे सकते हैं यहाँ से, जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से दे सकते हैं। ये अलग कुछ सिंबॉलिक आ गया है, ठीक है, ये इटालियन आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हम बहुत अच्छे अच्छे तरीके से नाम इसके दे सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे को यही रखना है, ठीक है, और इसका साइज हल्का सा लेंथ बढ़ा देते हैं इसकी, ठीक है, मेरे को यही रखना है, मैंने रख दिया है, ठीक है, और इसे यहाँ से कंट्रोल एस करके इसे ओके कर दिया है। खाली मुझे एक चीज़ देखनी है कि टॉप व्यू में जा रहा हूँ मैं, ये सही लोकेशन पे सेट है कि नहीं है, ठीक है। सही लोकेशन जो है वो ये है, बोर्ड हमारा ये काफ़ी आगे है, ठीक है। तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, इसे पीछे की तरफ ले गया और इसे कंट्रोल एस प्रेस करके दिखा देता हूँ फ्रंट व्यू से। ये बिल्कुल F3 प्रेस किया है, ये बिल्कुल सही जगह पे सेट हो चुका है, ठीक है, ये बिल्कुल हमने सेट कर दिया है, देखिए ये बिल्कुल सही हो गया। हल्का सा और पीछे करना है अगर आपको, तो हल्का सा कर सकते हैं पीछे, बस ज़्यादा नहीं, कंट्रोल एस कर दीजिए। ये हमारा लिख दिया है हमने इसमें जो लिखना था, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही ब्लैक कलर दे देता हूँ सिंपली से, ठीक है, कंट्रोल एस करा। अब मुझे ना ये फ्रंट, ठीक है, यहाँ पे भी लिखना है यही चीज़, तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, इसी को मैं ड्रैग कर रहा हूँ नीचे, ठीक है, ओके करा है। और सिंपल सा क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से आर प्रेस करूँगा और यहाँ से भी फर्स्ट वाला लेना है हमें, ठीक है। और फर्स्ट वाला लेने के बाद बिल्कुल देखिए बीच में यहाँ पकड़ना है, ये देखो ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बिल्कुल बीच में ये पूरा येलो हो रखा चारों तरफ से, और इसे पकड़ के स्मॉल कर लिया मैंने, और थोड़ा स्मॉल कर दिया है, और W प्रेस करके इसे सही लोकेशन पे रख देंगे, ठीक है। अगर देखिए अभी ये क्या हो रहा है कि हमने कॉपी किया है ना इसे, तो ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे। मैं ये क्या चाह रहा हूँ कि वर्ड नीचे आ जाए, तो मैं टेक्स्ट में गया हूँ यहाँ पे, और नीचे जाने के बाद, यहाँ पे जाने के बाद हमने क्या किया, वर्ल्ड के एंटर मार दिया है, ठीक है। और देखेंगे कि हमारा बिल्कुल ये अभी बॉक्स पे ये लगभग सेट हो गया, देखेंगे, ठीक है। और कंट्रोल एस प्रेस कर दीजिए, टॉप व्यू में जाएंगे और F3 प्रेस करके देखिए ये अभी क्या है, इसकी उस पर है ये हमारा टेबल, ये है, ठीक है। तो टेबल पे लगाने के लिए हमें कंट्रोल जेड करिए पहले, ठीक है, ठीक है, टॉप व्यू में गया मैं और इसे सही लोकेशन पे रख देंगे, कंट्रोल एस करेंगे, F प्रेस किया है मैंने, और F3 प्रेस करके इसे देखेंगे कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है। इसे हल्का सा मैंने ऊपर कर देंगे, और इसकी मोटाई वगैरह कम ज़्यादा लगे आपको, वो चीज़ आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया। आप देखेंगे कि ये प्यारा सा हमने मतलब नाम लिख लिया है इसमें, ठीक है। आप चाहें आप जो भी कलर इसमें दे सकते हैं। इसे मैं एक और इसकी कॉपी कर रहा हूँ, मैं शिफ्ट के साथ ड्रैग किया है, ओके किया है, इसे रोटेट करना है मुझे, ई प्रेस करा है, और ये 90 डिग्री मैंने रोटेट कर लिया। टॉप व्यू में गया मैं अगेन, जहाँ पे भी है मैंने W प्रेस किया, और सिंपली क्या कर रहा हूँ देखेंगे आप भी, कि सीधा इसको बस खाली इसकी लोकेशन पे F3 प्रेस करा है मैंने, ठीक है, इसकी लोकेशन पे रख रहा हूँ, ये यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन ये लंबाई देखिए कितनी ज़्यादा हो गई है, इसकी लंबाई हम वहीं से कम करेंगे। कैसे करेंगे, सिंपली लेंथ यहाँ से कम करेंगे, ये 2 फिट के दो ज़्यादा साइज हो रखा है नाम का, ठीक है, मोटाई वोटाई तो इसकी हमें बिल्कुल सेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से ये हमें यहाँ से लगभग हमें करनी है, और छोटा करना पड़ेगा ये, ठीक है, ये देखते हैं एक बार कि इतना इनफ है। कंट्रोल एस जरूर आप प्रेस करते रहिए, ठीक है, F3 प्रेस करिए और यहाँ से राइट व्यू में चले जाइए, ठीक है। आप राइट व्यू में जाके इसे देखेंगे, ये हमें सही तो है ये, लेकिन हमें ना इसकी चौड़ाई और ज़्यादा करनी है थोड़ी सी, तो स्केल करेंगे, आर से स्केल कर देंगे जितना हमें चाहिए, W प्रेस करके इसे सही लोकेशन पे सेट कर देंगे, देखिए बिल्कुल ये सेट हो चुका है। हमारा नाम का काम हो गया, मतलब जितना भी नेम लिखना था कंपनी का वो हो चुका है, ये हमारा पूरा का पूरा जो स्टॉल है बहुत प्यारा सा बन के तैयार हो गया है, ठीक है। हमें खाली, मुझे अब एक काम करना है खाली इसके ऊपर, कि
लाइट लगानी है, ठीक है, मॉडलिंग में जो लाइट लगनी है वो लगानी है। उसके लिए सिंपल सा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, टॉप व्यू में गया मैं, एक लाइट बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ से ना मैं क्या कर रहा हूँ, लाइट के लिए मैं टोरस ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसमें देखिए ट्यूब टाइप का थोड़ा होता है, आप देखेंगे, अभी मैं ये बंद कर देता हूँ, ये ओपन हो रखे हैं दोनों, ठीक है। सिंपल सा मैं यहाँ पे इसके, ठीक है, लाइट के लिए टोरस ले रहा हूँ यहाँ पे। आप देखिए शेप इसका किस टाइप का होता है, हल्का सा जितना हमें बड़ा चाहिए बाहर की तरफ हो गया, फिर अंदर की तरफ आके जितने हमें चाहिए ओके कर देंगे, ठीक है। अभी देखिए किस टाइप का ये हो गया है, एफ प्रेस किया मैंने और F3 प्रेस किया, मुझे इसको सही लोकेशन पे एक बार रख के मैं देखना चाह रहा हूँ कि साइज ये सही है कि नहीं है, ठीक है। अगर ये बड़ा छोटा लगेगा तो आप साइज इसका बड़ा घटा सकते हैं, ठीक है। अगर बाई चांस देखिए बड़ा लग रहा है तो रेडियस, यहाँ पे दोनों रेडियस हैं, ठीक है, ये कम ज़्यादा यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने इसे छोटा कर दिया है, मुझे इतना इनफ लग रहा है, ठीक है, हमें इतना रखना है खाली ये, ठीक है। और फ्रंट व्यू में जाके इसे सही जगह पे F3 प्रेस किया मैंने और सही जगह पे इसे लोकेट करूँगा मैं। ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे, अब दोबारा मैं इस पर जाके देख लेता हूँ कि ये सही सेट हुआ है कि नहीं। F3 प्रेस करेंगे, ये क्या हो रखा है अभी, ठीक है, ये आ तो गया ये, लेकिन हमें क्या करना है, टॉप व्यू में जाके इसे थोड़ा सा आगे की तरफ करना है, ठीक है। F3 प्रेस किया मैंने, जो ये बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड से हल्का सा आगे करेंगे, ठीक है, और F3 प्रेस करके अब आप देखिए यहाँ पे ये आ चुका है, ठीक है। लोकेशन जो भी रखनी है इसकी वो रख देंगे, ठीक है। मान लीजिए मुझे एक, पहले एक लाइट बना लेते हैं फिर उसकी कॉपी करेंगे, ठीक है। अभी मुझे इस पे अभी लाइट बनी नहीं है ये, ठीक है, अभी और भी वर्क करना बाकी है। हम इसके बाद मैं इसे क्या कर ले रहा हूँ, इसे आइसोलेट कर ले रहा हूँ ऑल्ट क्यू से, ठीक है, टॉप व्यू में जा रहा हूँ इसका। और अब यहाँ पे ना एक बना लेते हैं, स्पेयर बना लेता हूँ, और स्पेयर देखिए बना दिया मैंने, ये बना दिया है, ठीक है। और स्पेयर के बाद आप देखेंगे फ्रंट व्यू में गया हूँ मैं, ठीक है, और देखिए ये गैप आ रखा है, तो क्या करेंगे इस वाले को सेलेक्ट करके मैंने इसके भी कर लिया है, और इसके बाद मैं आर प्रेस किया है स्केलिंग के लिए, और इसे ऐसे मैं फ्लैट कर ले रहा हूँ, ठीक है। डब्लू प्रेस करके इसे बिल्कुल सही लोकेट कर दिया है, ठीक है, और पतला करना है यहाँ से और कर दीजिए, ठीक है, और इसे हल्का सा ऊपर कर लीजिए, कंट्रोल एस प्रेस कीजिए, और अब आप जाके देखेंगे तो ये बिल्कुल सही आ चुका है, ठीक है, और इसे सही लोकेट कर, ठीक है, कंट्रोल एस, ये हमारी लाइट लग चुकी है, ठीक है, बस खाली इसकी कॉपी करनी है हमें, ठीक है। देखिए लाइट इस टाइप की होती है राउंड वाली, ठीक है, और क्या करना है मुझे अब इसकी खाली कॉपी कर दे रहा हूँ मैं इसकी, ठीक है, ठीक है। तो कॉपी करने के लिए पहले मैं इसे सही लोकेशन पे, एक मुझे लाइट यहाँ चाहिए, गैप दे दे के इसका होगा, यहाँ पे मेरे को चाहिए 5 लाइट लगा लेते हैं इसकी, ठीक है, ओके करा मैंने, 5 लाइट लगा ली है, मुझे 2 लाइट और चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ओके कर दिया, ठीक है। अब मुझे एक लाइट यहाँ पे चाहिए, ओके कर दिया, ठीक है। उसके बाद लाइट की बात करें तो मुझे एक लाइट यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे मुझे 5 लाइट लगा लेता हूँ मैं, ठीक है, 5 किया और ओके कर दिया, ठीक है। और आप देखेंगे ये हमारी लाइट लग चुकी है, लेकिन मुझे हल्का हल्का सा इसे सेट करना पड़ेगा। F3 प्रेस किया है मैंने, ठीक है, जितनी भी लाइटें हैं मैं सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लाइट को सेलेक्ट करने के बाद ठीक है, लाइट को सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे सही लोकेशन पे
रख दिया है मैंने, ठीक है। और आप देखेंगे हमारी लाइट लग चुकी है, ठीक है, सारी लाइट लग गई है। खाली मुझे क्या करना है, अभी हल्का हल्का सा मैं जितनी भी लाइट है ना, इसे F3 प्रेस किया, हल्का हल्का सा साइड कर देते हैं, सरका देते हैं हल्का हल्का सा इसे ना, साइड कर दे रहा हूँ मैं हल्का हल्का सा, गैप जो है मेंटेन करने के लिए, ठीक है। मुझे गैप सही नहीं लग रहा था, हल्का हल्का सा इसे और कर दिया है, ठीक है, हल्का सा कर दिया है। और ये बिल्कुल कंट्रोल S प्रेस करके मैं आपको दिखा देता हूँ, फ्रंट व्यू में गया मैं और F3 प्रेस करा है मैंने, और ये हमारा स्टोर बन के तैयार हो गया। देखिए पूरा लाइट वगैरह लग गई है, ठीक है। और हमारा इसके अंदर अब जो है मॉडलिंग का काम पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम टेक्सचरिंग का काम करेंगे, ठीक है, टेक्सचर्स करेंगे इसके अंदर। और अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अब हम टेक्सचरिंग करेंगे, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में लिखिए। बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।